अस्सलामुअलैकुम। मैंने तो अपनी रिटर्न फाइल कर दी है, पर ये मेरा दोस्त है जिसकी रिटर्न फाइल नहीं हो रही, क्योंकि इसके रिटर्न फॉर्म में इसके जिम्मे टैक्स की अमाउंट आ रही है जो इसे जमा करानी होगी। तो आए देखते हैं कि टैक्स जमा कराने का क्या तरीका है। ये देखें, इसके रिटर्न फाइल फॉर्म में एडमिटेड इनकम टैक्स में ये अमाउंट लिखी आ रही है। ये अमाउंट पे करके ही रिटर्न सबमिट होगी। इसके लिए ब्राउजर में टाइप करें e.fpr.gov.pk और एंटर। यहाँ ई पेमेंट्स में जाकर इनकम टैक्स पे क्लिक करें। टैक्स ईयर यानी जिस साल की रिटर्न है वो सिलेक्ट करें और फिर यहाँ CNIC सिलेक्ट करके वो एंटर करें, तो आपका नाम सिस्टम खुद उठा लेगा। अब यहाँ टैक्स पेमेंट नेचर में एडमिटेड इनकम टैक्स सिलेक्ट किया तो तमाम पर्सनल डिटेल सिस्टम खुद पिक कर लेगा। फिर टैक्स पेमेंट सेक्शन में भी एडमिटेड इनकम टैक्स को सिलेक्ट करें। जितनी अमाउंट रिटर्न फॉर्म में आ रही है वो यहाँ लिखी। कहीं भी क्लिक करें तो अमाउंट इन वर्ड्स खुद ही आ जाएगी। अपना पेमेंट मोड सिलेक्ट करें। कैश आसान है तो वही सिलेक्ट करते हैं और अमाउंट फिर एंटर की यहाँ। अब अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर एंटर किया और फिर क्रिएट के बटन पे क्लिक कर दें। सिस्टम आपको मैसेज देगा कि अपनी टैक्स पेमेंट डिटेल्स को दोबारा गौर से देख लें। अगर चेंज करनी हो तो बैक का बटन क्लिक करें और अगर ठीक है तो कंफर्म का बटन क्लिक करें। कंफर्म करते ही आपको सिस्टम चालान प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। उसे प्रिंट करें और किसी भी करीबी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा कराएं। अमाउंट जमा कराने के बाद बैंक आपको एक कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट नंबर देगा, जिसके जरिए आप अदा किए हुए टैक्स का रिकॉर्ड अपने फॉर्म में एंटर करेंगे। उसके लिए यहाँ पेमेंट में जाएं, यहाँ प्लस पे क्लिक करके कंप्यूटराइज्ड पेमेंट रिसीट नंबर लिखें और सर्च का बटन दबाएं। आपका रिकॉर्ड यहाँ आ जाएगा, उसे सिलेक्ट करेंगे तो वो एड हो जाएगा। इसके बाद आप वेरिफिकेशन पे जाके पिन एंटर करें और रिटर्न सबमिट कर दें। अब पेमेंट हो चुकी तो रिटर्न सबमिट हो जाएगी। आप भी रिटर्न फाइल करें और हमारी तरह फाइलर होने का फायदा भी उठाएं और मुल्क की तरक्की में हाथ भी बटाएं।